टीकमगढ़ में योजनाएं आई, लाखों रुपए बहाए गए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो निर्माण कार्य किए गए उनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत दिगौड़ा की, जहां पिछले साल 14,80,000 रुपए की लागत से नाले पर एक चेक डैम बनाया गया था, जो पहली बारिश भी नहीं झेल पाया और ध्वस्त हो गया। इस बांध का निर्माण ये सोचकर कराया गया था ताकि ग्रामीणों को खेत में सिंचाई करने के लिए कोई परेशानी ना आए, पानी रोक लिया जाए, लेकिन गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए घटिया क्वालिटी का सामान इसके निर्माण में इस्तेमाल किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पहली ही बारिश में यह डैम टूट गया। इस मसले पर जिम्मेदार अधिकारी मामले की जानकारी न होने का हवाला देते हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। हालांकि कलेक्टर ने जांच के बाद निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। 14,80,000 की लागत से पहली बारिश में टूट गया, घटिया निर्माण हुआ इसमें बिल्कुल, जो कि अगल बगल के किसान को जो है पानी की दिक्कत रहेगी आगे, अगर इसका सही सुधार नहीं होगा तो किसानों के लिए जो है बहुत परेशानी होगी। अभी जी हैं बब्बा जी, सरपंच से क्या? हाँ सर, सरपंच थे। तो कब बना था जी? जो पर साल बना था। तो फिर जी टूटा कब है? टूटा भाई है, टूट गया पहली बारिश। हाँ हाँ, तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की जी? खेत किसका है जहाँ से जी टूटा है ना? जी हमारे मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि ऐसा कोई बहा है तो जिस भी एजेंसी ने बनाया होगा उसके विरुद्ध जांच करा के कठोर कार्यवाही करेंगे।